शहर के गणकोर घाट पर बिहार एवं उत्तर प्रदेश के महापर्व छठ का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं 3 दिन तक निर्जला व्रत रहती है और उसके बाद इस व्रत का समापन होता है। खंडवा में पिछले 6 वर्षों से गणगौर घाट पर बिहार एवं उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। पर्व के दौरान पूरे विधि विधान का पालन होता है और आपना नदी के तट पर महिलाएं उगते एवं डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। लोक आस्था के पर्व छठ पर प्रकृति का विशेष प्रभाव है। इस पर्व में खेत में पैदा होने वाली सभी चीज़ें जैसे नारियल, केला, नींबू, मूली आदि की भी पूजा होती है। महिलाएं परंपरागत रूप से इस व्रत को करते आई हैं और आज भी यह परंपरा वर्षों से बदस्तूर जारी है। बहुत अच्छा है। स्वागत है प्रायोजक महापर्व छठ समिति सहयोगी हमारे मंत्री खंडवा स्वास्थ्य विभाग होमगार्ड एवं शुक्रवार शाम की तरह महिलाएं शनिवार सुबह भी उगते सूर्य को अर्घ देंगी और इस पर्व का समापन होगा। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जल चढ़ा, आप जल चढ़ा बेटा, जल चढ़ा आप सामने ही। बच्चों को अपने पास में रखें जो कि वो मस्ती कर रहे हैं, कहीं कहीं नदी से जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्व के दौरान व्रत करने वाले एवं उनके परिजन सभी की खुशहाली की कामना करते हैं और भगवान से सभी की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे 3 दिन तक यह आयोजन पूरे विधि विधान से होता है। आप अभी बताइए आज किस तरह का आयोजन हुआ और आप लोगों ने किस तरह व्रत रखा है? ये हमारे आस्था का त्यौहार है, इसमें ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और ये 4 दिन का व्रत है। पहला दिन हमारे यहाँ चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल बनता है। उसके दूसरे दिन क्या पूरे दिन व्रत करके खीर रोटी का भोग लगता है। तीसरे दिन पूरे दिन व्रत करके शाम के टाइम में सूर्य भगवान की शाम को अर्घ देते हैं और फिर सुबह 4th दिन का व्रत सूर्य भगवान उदय होते हैं और पूजा की जाती है। उसके बाद जाके हमारा पूजा समाप्त होता है। और ये आदित्य खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत न्यूज़ फर्स्ट।